तो दोस्तों लोकसभा चुनाव 2019 के लिए 7 चरणों का मतदान समाप्त होने के बाद फाइनल तस्वीर सामने आ चुकी है। महा एग्जिट पोल के बारे में बात करेंगे। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कौन बनेंगे प्रधानमंत्री, सबसे बड़ा सवाल, इसी सवाल को लेकर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 543 सीटों का सर्वे, 29 राज्यों का सर्वे के बाद आपको दिखाएंगे फाइनल तस्वीर क्या है, कौन बना रहा है सरकार लोकसभा चुनाव 2019 के लिए, क्योंकि अब मतदान की जो घड़ी है वो समाप्त हो चुकी है। कई बड़े दिग्गज नेताओं का फैसला 23 मई को आना है, लेकिन इससे पहले देश के अंदर जितने भी बड़े एक्सपर्ट लोग हैं उन्होंने अपनी जानकारी यहां पर दे दी है, अपना ओपिनियन रख दिया है और सारे बड़े चैनल ने अपना ओपिनियन यहां पर दिया है। कौन बना रहा सरकार लोकसभा चुनाव 2019 के लिए, ये महा एग्जिट पोल, क्या यहां पर बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, एसपी, अदर, ये वो चेहरे हैं बड़े जो पीएम की रेस में है, अब किसको यहां पर रेस जीत रही है ये एग्जिट पोल में आपको पता लग जाएगा। कौन बना रहा सरकार, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, ये बड़े दो यहां पर पार्टी हैं जो बना सकती है केंद्र में सरकार। तो इसके लिए सबसे ताजा सर्वे में बात कर लेते हैं देश के सबसे बड़े राज्य की, उत्तर प्रदेश के लिए फाइनल तस्वीर सामने है आपके पास। उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी 37, कांग्रेस को 2 सीटें, अमेठी और रायबरेली वो 2 सीटें हैं, बीएसपी को 15, एसपी को 25, अदर के खाते में 1 सीट जा रही है। ये है उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट के लिए सबसे फाइनल तस्वीर। ये बड़ा एक्सपर्ट लोगों का ओपिनियन है, ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से सही हो सकता है, लेकिन 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 आपको बता दें दूसरे और राज्यों का ओपिनियन इसके बाद आपको दिखाएंगे कितनी सीटें किसको जा रही हैं। देखिए मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, बीजेपी को 21, कांग्रेस को 8, अदर खाते में 0। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से यहां पर बीजेपी को अच्छी सीट मिल रही है, ये सर्वे दिखा रहे हैं, ये सबसे ताजा ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। देखिए पश्चिम बंगाल, ऐसे बड़े राज्यों का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं जो यहां पर तय कर देंगे केंद्र में किसकी बन रही है सरकार। पश्चिम बंगाल बीजेपी को 14, 2014 में मात्र 2, लेकिन 2019 में यहां पर 14 सीट है। कांग्रेस को 4 के बदले 2, मतलब 2 सीट का नुकसान। 2014 में यहां पर 34 मिली थी, लेकिन इस बार 26 सीटों का नुकसान हो रहा है, लेकिन ज्यादा सीटों का नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन आगे बताते हैं आपके लिए और कौन राज्य हैं जो तय कर देंगे केंद्र में किसकी सरकार है। देखिए राजस्थान, बीजेपी को मात्र 1 सीट का नुकसान और वो सीट यहां पर कांग्रेस को जा रही है, ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सरकार यहां पर कांग्रेस की है, लेकिन ज्यादा फायदा उठा नहीं पाई इसका। और ये सर्वे दिखा रहे हैं आपको सबसे ताजा सर्वे, क्योंकि देश के सबसे बड़े चैनल का ये सर्वे आपको दिखा रहे हैं। गुजरात की बात करें तो यहां पर 1 सीट का नुकसान गुजरात में हो रहा है बीजेपी के लिए, लेकिन 25 सीट फिर भी यहां पर बीजेपी को मिल रही है। तो लोकसभा चुनाव 2019 के लिए हमने बड़े यहां पर राज्यों का सर्वे किया है, ये सर्वे आपको बता रहे हैं, क्योंकि एनडीए यहां पर 298 सीटें प्राप्त कर रही है, यूपी 118 और उधर खाते में जा रही है 126। मतलब 2019 में केंद्र में फिर बन रही है बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार। ये लोकसभा चुनाव 2019 के लिए सबसे ताजा सर्वे सामने आ चुका है, क्योंकि आपको बता दें लोकसभा चुनाव 2019 के लिए अब यहां पर ज्यादा समय बाकी नहीं है, लेकिन जो यहां पर तस्वीर है वो यहां पर एनडीए को फिर बना रही है सरकार, ये सर्वे है। फिर भी आपको बता दें फाइनल तस्वीर 23 मई को आएगी, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो अपना जो जवाब है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहे। चलिए दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।